ये ऐसे टेम्पो चलते हैं हमारे यहाँ पे, और गाइस जिस बस में आए थे वो वहाँ खड़ी है लीलन, एंड सामने है सीकर का रेलवे स्टेशन और ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है। सामने जो आप बसें दिख रही हैं ना आपको, वो वाली बसें वो सीधे हमारे गाँव जाती हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक टू विद माय अनदर व्लॉग, एंड गाइस गुड मॉर्निंग, आई होप करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। सो गाइस आज अपनी जर्नी होने वाली है जयपुर टू सीकर, और हो सकता है तो नवलगढ़ भी जा सकते हैं, बट सीकर तक अपना स्टॉप रहेगा और बाकी आगे देखते हैं, ट्रेन का सफ़र करेंगे तब पता चल जाएगा कि सीकर जाना होगा या फिर नवलगढ़। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ, तो टिकट विकट कटवाते हैं एंड उसके बाद में गाइस आपसे मीट करते हैं ट्रेन में। ये चेक कर सकते हो मैं अभी फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल अभी ट्रैक पर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई है, और गाड़ी आएगी गाइस 10:10 पर, तो अभी 15 मिनट है और काफ़ी सारा भीड़ है यहाँ भी, और चाचा जी आ रहे हैं तो मेरे साथ जा रहे हैं चाचा जी। तो चलिए चलते हैं, टिकट कटवाते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। तो 9:46 के आपको टाइमिंग दिख गया होगा टाइमर में, और गाइस मैं बता दूँ आपको मैं जा रहा हूँ अपने विलेज झाझड़। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 1 ईयर के समथिंग हो गया मेरे को गाँव गए हुए, तो पूरे एक साल से जा रहा हूँ मैं गाँव। तो चलो चलते हैं, ट्रैक चेंज करते हैं। ओ भाई, और गाइस मेरे पास 2 बैग है, लैपटॉप बैग एंड पीछे क्रॉस का बैग है। तो फर्स्ट अपन टिकट कटवा लेते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। अरे यार भाई, इधर टिकट हाउस पे भीड़ लग रही है, रास्ता इधर से है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस फिलहाल टिकट विकट हो गई है और अब ट्रेन आने वाली है, तो मेरे साथ है चाचा। और गाइस ये ट्रेन है जो सीकर तक ही जा रही है, ये नवलगढ़ तक नहीं जा रही, केवल सीकर तक जा रही है, इसलिए हमें सीकर उतरना पड़ेगा और वहाँ से फिर अपने को बस लेनी पड़ेगी या फिर देखते हैं कोई दूसरा विकल्प लेना पड़ेगा, तो वहाँ जाके पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल ट्रेन आ जाती है तो अपन ट्रेन से निकलते हैं। तो वैसे ट्रेन का टाइम 5 मिनट और बची है, तो ट्रेन आने के बाद ट्रेन पकड़ते हैं, सीधे मिलते हैं सीकर। फाइनली गाड़ी आ गई है, ये देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस गाड़ी है, सो इससे अपन करेंगे जर्नी अपनी स्टार्ट। सो चलिए चलते हैं, एंड काफ़ी क्राउड है गाइस, ये देखो रेलवे स्टेशन कितना क्राउड है, दूर तक भरी हुई है गाड़ी। गाजियाबाद, तो गाइस इससे रहेगी अपनी जर्नी जयपुर टू सीकर। ये देखो तो भाई पूरी ऐसे ट्रेन भरी हुई तो नहीं है, खाली है। तो चलिए चलते हैं और बैठते हैं। कहाँ गए? चढ़ो 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 चढ़ो। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके चौहों से, एंड आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यार, हरी भरी, फिर गार्डन हो रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचते, और आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेन कितनी लंबी है भाई, ये चेक करो तेरी तो। गाइस बहुत ठंडी हवा आ रही है, फिलहाल गोविंदगढ़ पहुँच चुके हैं, और ये आप देख सकते हो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन खड़े हैं, और इधर गाइस क्रॉसिंग है, तो आपको दिख रही है कि ट्रेन आ रही है इधर से, देखो चेक करो, वो देखो ट्रेन आ रही है, भक्ति भी आ रही भाई साहब, एक्सप्रेस ट्रेन है। ज़्यादा स्पीड में थी और अब अपनी चलने वाली ट्रेन। गाइस चेक करो मालगाड़ी का इंजन जा रहा है, हॉर्न इधर मार रहा है और लोग इधर देख रहे हैं इस वाली ट्रैक पे, इधर से आ रही है गाड़ी, वो हो गया। मस्त लग रहा है वैसे, खतरनाक इंजन लग रहा है गाइस। गाइस ये जयपुर से सीकर वाला हाईवे NH11, अगर जयपुर से आप बाई व्हीकल आते हो तो इस वाले हाईवे से आते हो, और बाई ट्रेन आते हो तो ये ट्रेन आप देख ही सकते हो। ये ट्रेन का व्हीकल हो गया, और बाइक कार आना है तो आपको रोड से आना पड़ेगा। और गाइस सामने है हर्ष की पहाड़ी, देखो आपको वो दिखाता हूँ गाइस, क्या बोलते हैं पवन चक्की दिखाता हूँ, देखो दिख रही होगी तो आपको, देखो पहाड़ी पे चेक करो, वो पवन चक्की हर्षनाथ की पहाड़ी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस, काफ़ी लोग घूमने आते हैं हर्षनाथ की पहाड़ी पर शिव जी के दर्शन करने।
एंड सामने है सिकरा रेलवे स्टेशन, और ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, पूरी पूरी खाली हो चुकी है, बस इक्के दुके पैसेंजर बैठे हैं, बाकी खाली है। और देख सकते हो ट्रेन को वहाँ पर घूम रही है भाई साहब, बहुत ही अच्छी लग रही है। और आज का वेदर भी बहुत बढ़िया है, बादल भाई सवर का क्लाउडली क्लाउडली। गाइस पहुँच चुके हैं सिकर रेलवे स्टेशन, और इधर से रास्ता पता नहीं गाइस खुला है कि नहीं खुला, क्योंकि लॉन्ग टाइम आफ्टर वन ईयर बाद हम लोग विजिट कर रहे हैं हमारे विलेज को, तो लगता नहीं है कि भाई ओपन होगा या फिर क्लोज है, वो तो देखना पड़ेगा, उधर जाने के बाद पता लगेगा। और इधर पैसेंजर उतर रहे हैं, देखो इस वाली ट्रेन से आए थे अपन, और ये सिकर सीधी जाएगी चूरू। गाइस बेसिकली जाते तो आता जाता रहता है, और इस वाली गाड़ी से हम लोग आए थे गाजियाबाद। इलेक्ट्रिक गाड़ी है देखो ऊपर लग रखा है, और गाइस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है हमारी। जब छोटे थे गाइस तो ब्रॉडगेज ट्रेन चलती थी यहाँ, उसमें सफ़र करते थे। हाँ पहले कम था ये, पीछे ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया यहाँ तक, और जाने का रास्ता इधर से भी उधर से चल रहा, तो आगे से आ जाओ। चलो तो गाइस एक रास्ता इधर से एक आगे, तो गाइस अब अपन चलेंगे नवलगढ़, और नवलगढ़ के लिए यहाँ से पकड़ेंगे बस, दो लोग परिवहन बस पकड़ेंगे यहाँ से। ये यहाँ का नवलगढ़ रोड है, और यहाँ बसें लगी हुई है, तो हम लोग गांव जाते तो गाइस वहाँ जो अंदर बस खड़ी है ना वहाँ से पकड़ते, लेकिन नवलगढ़ जाना तो यहाँ बाहर से बस पकड़नी पड़ेगी हमें। तो चलिए पहले बस पकड़ते हैं, वो सामने खड़ी है ना लिल्लण, लिल्लण में चलेंगे गाइस। तो गाइस बहुत घूमे हुए सिक्कर में, बहुत ज़्यादा घूमे हुए, काफ़ी मज़ा आता था डैडी के साथ आते थे तब, जब ये गाइस रोड भी सकड़ा था, और अब तो गाइस रोड भी चौड़ा हो गया। हमारे पापा जी के दोस्त मिल गए, प्रणाम। ओल्यो आपके बिस्किट गिरा दिए। जब भी सिक्कर आते थे तो उनकी शॉप पे रुकते थे, स्टे करते थे यहाँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते थे मार्केट में, काफ़ी मज़ा आता था गाइस। और सामने जो आप बसें दिख रही हैं ना आपको, वो वाली बसें वो सीधे हमारे गांव जाती है, बट अभी हम लोग गांव में नवलगढ़ जाएंगे, आपको बताऊंगा रास्ते में क्या कुछ लग रही है। सामने बस लग रही है, बस से चलेंगे, गाड़ी से चलोगे बस से? नवलगढ़ 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 क्या किराया लिया करो? 40 रुपया। अभी 12:30 है गाइस, ये तो लेट है बस, थोड़ा और आ जाए बस, सुनो बस और आ जाए एक बार, वेट कर लो। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नवलगढ़, और ये नवलगढ़ का घूम चक्कर है, ये देख सकते हो तिरंगा भी लगा दिया अब तो यहाँ। और अभी चलेंगे गाइस अपन नवलगढ़ थाने के पास विनायक हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ भैया बड़े भैया को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे और खुशी के मोमेंट पे और खुशियाँ बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे टेम्पू चलते हैं, देख सकते हो ये ऐसे टेम्पू चलते हैं हमारे यहाँ पे, और गाइस जिस बस में आए थे वो वहाँ खड़ी है लिल्लण, तो चलो चलते हैं बैठते टेम्पू में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, और अब चलिए बड़े भैया को बधाइयां देते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति है, बड़े भैया सामने बैठे हैं, और चलो बधाइयां देते हैं इनको। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड डॉग एंड गाइस, आज मेरे चाचा जी दादाजी बन गए, एंड मैं चाचा बन गया, एंड दादी जी बन गए, ताई जी दादी जी बन चुके हैं फिर से डॉग। तो गाइस आज खुशी का मौका है, जाके सेलिब्रेट करेंगे आज, तो चलिए मिलते हैं घर पे आप।